हेलो फ्रेंड्स, बहुत बार आप सभी ने देखा होगा कि जब सभी ने यूट्यूब ओपन करते हैं तो यूट्यूब की वीडियोस ऑटोमेटिक प्ले हो जाता है। उस टाइम अगर आप किसी वाईफाई से कनेक्टेड है तो ठीक है, लेकिन अगर उस टाइम आपकी मोबाइल डाटा से कनेक्ट रहता है तो आपकी बहुत सारे डाटा यूज हो जाता है। इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। तो सबसे पहले आप आपके डिवाइस से YouTube को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने स्क्रॉल करके जिस वीडियो के सामने जा रहा हूँ वही वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो रहा है और इसके साथ मेरा डेली का डाटा कम होते जा रहा है। इसको बंद करने के लिए सबसे पहले आपको टॉप राइट कॉर्नर पे जो आपकी अकाउंट का लोगो शो हो रहा है उस पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद नीचे देखिए एक सेटिंग का ऑप्शन है, इस सेटिंग ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। फिर देखिए थर्ड नंबर पे ऑटो प्ले का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को ऑफ कर दीजिए। इसके बाद बैक करके जनरल का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए चार नंबर पे प्लेबैक इन फिट्स नाम की एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन को ओपन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ऑलवेज ऑन है, अगर इसको आप ऑफ कर देंगे तो ये पूरी तरह से ऑफ हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक वीडियो स्ट्रीमिंग नहीं होगा। और एक ऑप्शन है वाईफाई ओनली, मतलब आप जब भी किसी वाईफाई से कनेक्टेड होंगे तभी सिर्फ यूट्यूब ओपन करने से यूट्यूब की वीडियोस ऑटोमेटिक स्ट्रीमिंग होगा। तो मैं यहाँ पर प्लेबैक इन फिट्स को वाईफाई ओनली कर देता हूँ। तो चलिए अभी होम पेज में जाके देखते हैं अभी वीडियो ऑटोमेटिक स्ट्रीमिंग हो रहा है या नहीं। अभी देखिए फ्रेंड्स, किसी भी वीडियोस ऑटोमेटिक स्ट्रीमिंग नहीं हो रहा है जब तक मैं किसी वीडियो को इंडिविजुअली प्ले नहीं करता हूँ। अगर इस ट्रिक आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और भी ऐसे बहुत सारे टेक वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।